हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। अभिषेक आर्ट लाइफ में आप लोग का स्वागत है। और मैंने ऑलरेडी एक स्केच बना चुका हूँ स्केच बुक बाय अभिषेक में, और उसको मैं स्केच जो है, जो आउटलाइन मैंने बनाया है पोर्ट्रेट का, उसका मैं आज कलर पेंसिल के मीडियम में बनाने वाला हूँ। और उसके लिए आज ये जो है मैं आपको दिखाऊँगा कि रेफरेंस जो है हमारा ये वाला है, तो इस रेफरेंस से मैं इसको डेवलप करने वाला हूँ स्केच को, जो आउटलाइन हम लोगों ने कम्प्लीट किया था। तो ये जो सीरीज़ है कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं जो भी हम आर्टवर्क बनाने वाले होते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो स्केच है उसका आउटलाइन ये हम लोगों ने कंप्लीट किया था, तो इसको हम अभी डेवलप करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो हम करने वाले हैं, तो ये है अभी आप देख रहे हो कि कलर पेंसिल। तो कलर पेंसिल जो है, जो कि स्टेडलर का यूज़ किया मैंने, तो यहाँ पर मैंने, जब भी आप स्केच बनाते हो, जब भी आप कलर पेंसिल जैसे हैं, अभी ग्रेफाइट पेंसिल से हो तो आपको चीज़ें पता होती हैं कि ये ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं, आप कौन सा यूज़ करने वाले हैं, और एक लिमिटेड स्टॉक होता है आपका कि इन सब 6B 4B 2B। लेकिन कलर पेंसिल में है कि आपको जो शेड्स हैं वो बहुत ही वेरिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको उसमें से चूज़ करना होता है। जैसे हम लोगों ने रेफरेंस अभी देखा, तो ये रेफरेंस में देख रहे हो आपकी इसमें जो कलर टोन्स हैं, हर एक टोन आप जैसे येल्लो, ग्रीन, पर्पल, पिंक, रेड, तो ये सारे जो कलर्स हैं वो आपको चीज़ें दिखेंगी। तो उसमें से आपको चीज़ें जो हैं वो सेलेक्ट करनी है, जो जितने भी कलर्स हैं। तो इसमें से कुछ मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं, और ग्रे, ब्लैक और वाइट जो है वो डिफ़ॉल्ट है। इसके अलावा एक और पेंसिल है, वो है ग्लास मार्किंग पेंसिल, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे अभी आप देख रहे हो, तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। या फिर आप वाइट चारकोल देख रहे हैं तो उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए चीज़ें जब आप स्केच कर रहे हो। तो जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो चीज़ें यहाँ पे हैं यहाँ पे पहले ही अवेलेबल होनी चाहिए, वरना आप जब भी एक आर्टिस्ट हैं या फिर आप एक आर्ट यूट्यूबर हैं, तो आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें आपके आसपास ही होनी चाहिए, वरना आप स्केच करते हो, स्केच करने के बाद आपको लगता है कि लिप्स के लिए हमें रेड की कलर की ज़रूरत है, थोड़ा पिंक की ज़रूरत है, तो उसके लिए आप फिर से आप कलर को सेलेक्ट करोगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और एक जो हमारा मूड स्विंग भी होता है कि हाँ अभी करें या ना करें चीज़ों को लेके, तो हमेशा जब भी आप स्केच बनाएं या जब भी आप प्रिपेयर करें, तो बिहाइंड द सीन जो भी चीज़ें हैं ना, वो प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपका जो ये आप देख रहे हो कि ये मैंने एक नया प्रोडक्ट लिया है, जैसे अभी आप देख रहे हो ये, तो इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ आज यहाँ पे ये। तो ये प्रोडक्ट का रिव्यू भी मैं दूंगा आपको कि ये कैसे हमारे लिए ज़रूरत है, एक आर्टिस्ट के लिए या फिर एक आर्ट यूट्यूबर के लिए, तो इसके बारे में आज आपको बताऊँगा मैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी आप ये देख रहे हो कि पेंसिल तो मैंने यहाँ पर निकाल ली है, लेकिन ये पेंसिल्स जो है इसको शार्पन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्लास मार्किंग पेंसिल है, और इसके अलावा जितने भी आप पेंसिल्स देख रहे हो, इस पेंसिल्स को जैसे कि जो भी छोटे हैं, जैसे आप ग्रे में देख रहे हो, तो इन सब के जो पेंसिल हैं इन सबको शार्पन करना ज़रूरी है, वरना आप स्केच के बीच में फिर आप शार्पन करना पड़ता है इन सारों को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रिपेयर करनी होती है। इसके अलावा और क्या चाहिए हमें, तो इसके अलावा वो जो जो चाहिए उसके ये है पेपर्स, पेपर टेप। तो पेपर टेप से आपको स्टिक करना है चारों तरफ से, और जिसको मैं अपना मोबाइल है यहाँ पे रख के फिर यहाँ से शूट करने वाला हूँ। और लाइटिंग जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ये रेफरेंस जो है हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, और जबकि मैं बैठता इधर हूँ ये वाले प्लेस पे, तो यहाँ पे जो मैं अपना चेयर लगा के बैठता हूँ, तो यहाँ से मैं देख नहीं सकता रेफरेंस को बार बार यहाँ से। तो उसके लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक रखा हुआ आईपैड, जैसे देख रहे हो आप, तो ये रेफरेंस के लिए मैं सामने से यहाँ बैठ के देखता हूँ मैं। तो अभी ये करने के पहले, जो प्रिपेयर करने के पहले, ये जो आप रेफरेंस देख रहे हो, इस रेफरेंस को मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होगा। तो पहले, जैसे मैं हमेशा ही बताता हूँ बिहाइंड द सीन कि आपको क्या क्या चीज़ों की प्रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे ये जो रेफरेंस है, मेक श्योर कि ये पहले ही यहाँ पे आ जाए। और जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा अभी। और ब्लेंडिंग के लिए, जैसे आपको पता है कि ये जो कलर पेंसिल है, कलर पेंसिल से ही ब्लेंड होने वाला, तो ऐसा कोई प्रिपेयर नहीं करना है मुझे कि कोई ब्लेंडिंग टूल। और जैसे मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया था फ्लावर के कुछ स्केचेज़ में, तो ये जो ब्लेंडिंग टूल है
ग्लास मार्किंग पेंसिल को हम एज ए ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करेंगे, और ये एक और टूल है स्टेडलर का, जैसे देख रहे हो ये जो कलर पेंसिल्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और सॉफ्ट होने के कारण ये टूटते बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई भी एक नॉर्मल शार्पनर अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो टूटते बहुत ज़्यादा है। तो ये शार्पनर से अगर आप करते हो कि अगर आप बिल्कुल ही आपको आईज़ वगैरह के लिए चाहिए, डिटेल चाहिए, तो आप यहाँ पे लिए जो कि जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके लिए आप ज़्यादा अगर आपको चाहिए देर तक करने के लिए तो आप छोटे वाले होल का यूज़ कर सकते हैं। कुछ जो है एकदम शेड देना है सिर्फ हल्के हल्के से, जैसे ग्रीन कलर है तो इसमें शेड जो है वो बहुत कम है फेस पे, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी होती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लेंडिंग टूल की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा डस्ट वगैरह जितने भी आते हैं उसके लिए हमें एक ब्रश है वो हमेशा अपने पास रखना होता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। और कहीं कहीं पे हमें डिटेल की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम मैकेनिकल पेंसिल है उसको भी हम साथ में रखेंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि कहीं पे भी छोटी बड़ी अगर आपको कोई चीज़ करेक्शन करना होता तो इसे कर सकते हैं। और इसमें इरेज़र देख रहे हो, इरेज़र भी रहता है यहाँ पे, तो इस इरेज़र रहने से बेनिफिट ये है कि कहीं पे भी आप इमीडिएट आपको ढूंढना नहीं पड़ता इरेज़र या मोनो इरेज़र, तो यहाँ पे आप इस देख रहे हो आप, तो इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट है स्टेडलर का, तो ये बहुत ही अच्छा है और 0.5 है। कई सारे मैंने आप देखते हो कि ऑनलाइन ये आउटलाइन के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ, तो ये कुछ जो प्रोडक्ट है ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि जो आर्टिस्ट है तो जब भी वो अपना आर्ट वर्क स्टार्ट करने वाले होते हैं तो स्टार्ट करने के पहले कौन कौन सी चीज़ों की प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जितने भी अगर आप मोबाइल शूट करने वाले हैं, मोबाइल से शूट करने वाले हैं या फिर कैमरे से, तो उसका पहले आप देख ले कि चार्जिंग के अलावा आप जब भी कोई मोबाइल से शूट करने वाले हैं तो उसमें जो डेटा है आपका वो डेटा आपने कॉपी किया या नहीं किया, क्योंकि आपको क्लीन करना होता है, क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस ही होता है आपके पास जो आप स्केच करने वाले होते हो, तो जो डेटा होता है मोबाइल का वो लिमिटेड होता है, तो उसको मेक श्योर करना होता है कि हमें वो सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने जो डेटा है वो ट्रांसफ़र किया या नहीं। कभी कभी क्या होता है, कई बार मैंने ऐसे देखा है कि जब भी मैं स्केच करता हूँ तो डेटा फुल होने के कारण वो रिकॉर्डिंग ही अपने आप बंद हो जाती है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में देनी चाहिए। और यहाँ पे एक और प्रोडक्ट देख रहे हो आप जैसे, तो इस प्रोडक्ट का भी रिव्यू मैं जल्दी ही करने वाला हूँ जो कि मेरे पास कल ही आया, कैमलिन का फ्लूड एक्रेलिक कलर्स, तो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो, इसका भी मेकिंग में आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारा जो स्केच जो बनाने वाले हैं जो कलर पेंसिल का है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए टेक्निक भी बताने वाला हूँ मैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा स्केच है वो रेडी हो चुका है और हम लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो रेफरेंस है वो भी आ चुका है यहाँ पे, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि पेंसिल, तो पेंसिल को मैंने शार्पन करके यहाँ पे ऑलरेडी, एक तो अभी तक के लिए इतना ही है, और अभी हम चलेंगे अपने स्केच की तरफ। तो अभी हम चैनल स्विच करेंगे अभी स्केच बुक बाय अभिषेक में, तो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।